चैप्टर से स्टार्ट करते बुक मॉड्यूल के ऊपर मैंने सोचा नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक से जाएंगे बेसिक्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो हमारे डाउट्स सॉल्व होते जाएंगे राइट दोस्तों तो इसके लिए आपको कुछ प्री, है, प्री मतलब पहले से आपको कुछ चीजें करके रखनी होंगी दैट इज बुक लेके बैठना है पेन ले के बैठना है वो तो फिक्स है आपके लिए इसके लिए भी बेटर होगा दोस्तों आप एक फॉर्मूला बुक बना लो वो फॉर्मूला बुक में लिखते जाओ ताकि आपको जो भी फॉर्मूला यूनिट्स वगैरह रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेगा उसमें एक शॉर्ट तरीके में आपके पास मिल जाएगा सारे नोट्स राइट एंड uh, जो भी आपने इलेवन ट्वेल्थ में टेंथ स्टैंडर्ड से जो भी आपने इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक्स पढ़ा है उसमें भी थोड़ा थोड़ा नजर घुमा लेना नहीं घुमाए है वो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कोई दिक्कत नहीं है एक्सप्लेन तो मैं सब करते जाऊंगी बट आपका कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है वो तो मुझे देखना होगा ना इसके लिए कभी भी फ्री टाइम मिले आपको दोस्तों एक बार जस्ट इलेवन लेना एक बार उनके चैप्टर्स को देख लेना ताकि आपको एक क्लियर आइडिया आ जाए राइट एंड ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं दोस्तों बहुत इजी चैप्टर है बहुत इजी सब्जेक्ट है बिकॉज इसमें ना डायरेक्ट चीजें हैं हमने मैकेनिक्स में देखा कैसे हमें यहां से वो निकालना है वहां से वो निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट सब चीज मैंशन है आपको फॉर्मूला पुट करना है फॉर्मूला पुट करके आपको कैलकुलेशन करना है कुछ यहाँ पे क्विच लॉ है वोल्टेज लॉ इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग डेरिवेशन है इसमें वो सब डेरिवेशन करने के लिए भी आपको एक स्टेप प्रोसीजर बस याद रखना है जैसे हमने न्यूमेरिकल में स्टेप्स वगैरह लिखे ना वैसे इसमें भी वो सब याद रखने की जरूरत है एंड देन आपका बीडब्ल्यू हो जाएगा था इसमें कुछ बड़ी डील सिर्फ कुछ चीजें हैं जो आपको माइंड को इसे समझा देनी है कि भाई ये ऐसा है ये वैसा है वो वैसा है ठीक है तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बेसिक से आज स्टार्ट कर लेते आज हमारा सेकेंड लेक्चर है ना ओके अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स दोस्तों इस पूरे दुनिया में जो भी चीज बनी है वो किससे बनी है सारी की सारी चीजें किससे बनी है दोस्तों एटम से बनी है राइट आइटम के पास क्या क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल अस ट्राई टू रिकलेक्ट हमने अपने लोअर क्लासेस में क्या पढ़ा है कि आइटम क्या क्या रखता है अपने पास दोस्तों दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना ये दोनों को मिला के क्या बोला जाता है दोस्तों न्यूक्लियॉन्स हमारा जो एटम है वो किस तरह दिखता है दोस्तों हम लोग वो बना ले सबसे पहले बीच में क्या होता है हमारा न्यूक्लियस होता है ठीक है दोस्तों न्यूक्लियस बीच में होने के बाद उसके आजू बाजू क्या होता है दोस्तों आजू बाजू से शेल्स होते हैं बहुत सारे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सेल्स होते हैं क्लाउड्स होते शेल्स बोलो ऑर्बिट बोलो कुछ भी बोलो है ना एक्चुअल एटम अपना ऐसा नहीं दिखता अपने को इजी करने के लिए एटम को इस तरह बनाया जाता है हमारा जो एटम का इजी है बट एटम किस तरह दिखता है आपको पता है दोस्तों देखो जो आपका न्यूक्लियस है ना वो बीच में ही रहेगा बट आपके जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना वो ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं रहते वो ऐसे रहते हैं कुछ इस तरह वो अरेंज रहता है दोस्तों आपने वो टैप्स का सिंबल देखा होगा टैप्स या फिर एटॉमिक एनर्जी का कोई भी पावर प्लांट का सिंबल वो कुछ इस तरह ही रहता है है ना ये। वो कुछ इस तरह रहता है लेकिन हम हमारे इजीनेस करने के लिए हम इसको इस तरह बनाते राइट ये हमारा न्यूक्लियस है यहाँ पे पी फोर प्रोटोन है यहाँ पे एन फॉर न्यूट्रॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो पेयर में रिवॉल्व कर रहा है राइट right? और हमने ये भी पढ़ा इन शेल्स का कुछ नाम है शेल्स का नाम क्या है दोस्तों के एल एम एन ठीक है जब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे क्या दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करते यानी कि यहाँ से ये निकल जाते हैं यहाँ से दूसरे शेल में जाने की कोशिश करते दोस्तों मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस शेल में आ गया फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस शेल में आ गया ठीक है ऐसा कभी भी प्रोसीजर होने की कोशिश होता है ऐसे कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की कोशिश करते हैं वहां पर करंट डेवलप होता है कौन सा क्या डेवलप होता है दोस्तों करंट डेवलप होता है एंड वो करंट इज नथिंग बट हमारा इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या रहता है दोस्तों ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोला मैंने इलेक्ट्रिक करेंट का डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी एक सर्किट बना लेते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक सॉकेट बना के देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सॉकेट में कैसे क्या रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा कंडक्टिंग वायर हो गया ठीक है इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया है इसको मैंने एक एम मीटर से कनेक्ट किया है और ये मैंने इसको इसे कनेक्ट कर लिया ठीक है दोस्तों ये प्लस ये माइनस ओके okay? ये क्लियर है दोस्तों आपको कि क्या है ये सर्किट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं अब एमीटर का भी प्लस और माइनस का साइन होता है दोस्तों तो प्लस साइन कहाँ आएगा जो एमीटर का नेगेटिव विल बी कनेक्टेड टू बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ एमीटर विल बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ बैटरी ठीक है दोस्तों ये चीज आपको अपने दिमाग में फिक्स कर लेनी है कि ये जो नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल साथ में कनेक्टेड होंगे ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव राइट नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा साइन होता है दोस्तों हमारा नेगेटिव साइन होता है प्रोटॉन के ऊपर कौन सा साइन होता है दोस्तों पॉजिटिव साइन होता है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को मैं येलो कलर से दिखा देती हूँ दोस्तों इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा राइट right? ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है हमारा करंट का डायरेक्शन क्या आएगा दोस्तों करंट का डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों आई हमारा करंट का डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव तो फर्स्ट जो बेसिक आपको यहां याद रखनी है करंट का डायरेक्शन व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट करंट्स का डायरेक्शन इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ओके दोस्तों पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ये पहली चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि करंट कहां से फ्लो होता है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव अब इसके बीच में रेजिस्टर का कोई भी सीरीज आए कुछ भी आए डायरेक्शन चेंज नहीं होगा डायरेक्शन यही रहने वाला है दैट इजेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का ओके okay, दोस्तों इतना आपने लिख लिया नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है दैट इज करेंट का फॉर्मूला वॉट इज द करेंट का फॉर्मूला लेटेस्ट अंडरस्टैंड जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट है दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट करेंट इलेक्ट्रिक सिटी बोलो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं right. इसका जो डेफिनेशन ऑफ करंट दोस्तों चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम ठीक है दोस्तों अब ये चार्ज क्या होता है चार्ज इन देंस इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे दैट इज नथिंग बट हमारा चार्ज और अगर इसको दूसरी भाषा में अगर आपको बोलना है इलेक्ट्रॉन्स ठीक है दोस्तों ये दो चीज क्लियर हो गई तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं जो चार्ज होगा चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों टी से तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आई इक्वल टू क्यू कभी भी रेट ऑफ फ्लो रेट ऑफ फ्लो का मतलब दैट ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो डिवाइडेड बाय टाइम रेट ऑफ फ्लो क्या होता है दोस्तों जिसके बारे में भी रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ है दैट कंसेप्ट डिवाइडेड बाय टाइम ठीक है ये क्लियर हो गया दैट इज मेन फॉर्मूला ये फॉर्मूला क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम चार्ज का यूनिट क्या है दोस्तों हम एक एक चीज यहां पे कंसिडर कर रहे हैं यूनिट भी तो अभी लिखना है जो आई है यूनिट है उसका एम्पियर क्या है दोस्तों यूनिट एम्पियर उसको ए से लिखा जाता है जो क्यू है वो उसको चार्ज बोलते उसका यूनिट है Poulum, Poulum का स्पेलिंग क्या है जस्ट वन मिनट दैट इज सी यू ओ यू एल ओ एम बी आई इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं टी टाइम होता है and इसका यूनिट होता है हमारा सेकेंड वो तो आप सबको पता ही किससे रिप्रेजेंट करते दैट इज हमारा छोटू सा एस ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे ये यह फॉर्मूला कैसे हो जाएगा अगर मुझे वन एम्पियर करंट चाहिए दोस्तों मुझे करंट कितना चाहिए वन एमपियर का करंट चाहिए देन मुझे कितना कूलम ऑफ चार्ज भेजना पड़ेगा दोस्तों वन कूलम ऑफ चार्ज एक सेकेंड में एक कूलम भेजना पड़ेगा तब मुझे जाके वन एमपेयर ऑफ करंट मिलेगा आई होप आपको ये क्लियर हो, हो गया हो क्या है ये इलेक्ट्रिक करंट जो होता है दोस्तों वो बताते कि कितना चार्ज उस पार्ट से जा रहा है अभी ये वायर है ये वायर से कितना चार्ज एक सेकेंड में जा रहा है या फिर कितना टाइम में जा रहा है कितने टाइम में कितना चार्ज जा रहा है उसका मतलब होता है okay? Now, हमारा इलेक्ट्रिक करंट ओके नाउ ए फॉर एज हमारा ए फॉर एम्पियर किसका यूनिट है दोस्तों हमारे करंट का कूलम किसका यूनिट है हमारे चार्ज का एंड सेकेंड किसका यूनिट है हमारे टाइम का ठीक है अगर मुझे पता लगाना है कि वन एम्पियर ऑफ करंट कितने टाइम में फ्लो हो रहा है देन दैट इज कूलम अपॉन वन सेकेंड आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया हो कि ये कैसे आता है आंसर इसका राइट right? एंड इसका एम्पियर को हम एक और चीज लिखते हैं दैट इज इज ए कूलम पर ओके दोस्तों तो ये हो गया सब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नेक्स्ट हम कंसेप्ट देखने जो जा रहे हैं दैट इज अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस किसके बारे में दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वोल्टेज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी उसको वी से रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है दोस्तों अब वो जो वी है दैट स्टैंड फॉर वोल्ट किससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसको वोल्ट से दैट इज वी बट पहले हम उसके देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है देखो दोस्तों हर एक की कैपेसिटी अलग होती है राइट right? मेरी कैपेसिटी अलग है मेरे कली की कैपेसिटी अलग है मेरे दोस्त की कैपेसिटी अलग है हम सबकी कैपेसिटी अलग है तो जब हमारी कैपेसिटी अलग होती है तो हमारे एनर्जी का फ्लो भी अलग होता है राइट वैसे ही कंसिडर करते हैं डैम डैम का पानी कहाँ से फ्लो होता है डैम ऊपर जहाँ पोर्शन रहता है वहां पे बहुत सारा पानी जमा है एंड नीचे वाले पोर्शन में बहुत खाली है राइट दोस्तों जैसे ये आपका डैम का कंस्ट्रक्शन है ठीक है आपका ये इधर बहुत सारा पानी है एंड यहाँ पे गेट्स है ये तो यहाँ पे पानी दिख रहा है आपको ये सूखी एरिया है ना तो जैसे ही हम हमारा डैम ओपन कर देते तो ये जो पानी ये जो पानी यहां पर है वो यहां से फ्लो होना शुरू हो जाता है राइट ये यहां से पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा है ना यहाँ पे जो हमारा पानी यहां पे भरा हुआ था यहां से पानी यहां पे फ्लो होना शुरू हो जाएगा एंड व्हाट डज दैट मीन पानी कहां से फ्लो हो रहा है जहां पर वॉटर फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल राइट दोस्तों ज्यादा से कम फ्लो होता है तो यहां पे हाई पोटेंशियल था एचपी यहां पे लो पोटेंशियल है एलपी तो डैम का पानी हाई से लो में फ्लो होने लग गया उसी तरह हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ठीक है दोस्तों अब जो ये फ्लो लाने के लिए फोर्स की जो जरूरत है ना दोस्तों अभी ये फ्लो लाने के लिए क्या फोर्स की जरूरत है पानी ने खुद फोर्स लगा दिया ठीक है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो तो नहीं होंगे इसमें से थोड़ी ना कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा करंट वो जो वायर है उसमें ताकत लगानी पड़ेगी अंदर तो वो जो फोर्स वो जो ताकत हमें लगानी है वो किसके वजह से लग रही है बैटरी की वजह से क्यों क्योंकि बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो रहा है एंड इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होना शुरू हुआ वैसे ही हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा एंड ये जो पुश बैटरी ने दिया है दैट इज नथिंग बट उसने क्या किया पोटेंशियल डिफरेंस में क्रिएट कर दिया प्लस मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस माइनस मतलब कम पोटेंशियल डिफरेंस इसके वजह से हमारा करेंट फ्लो होने लग गया इसके लिए हम बोलते हैं कि बैटरी जो है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब आपको समझ में आ गया दोस्तों वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देने का काम करती है एंड बैटरी को हम किस में लिखते हैं दोस्तों उसका यूनिट क्या है कोई भी बैटरी लेने जाते दुकान पे तो यूनिट बोलते हैं ना दस वोल्ट की बैटरी दो दो टू पॉइंट फाइव वोल्ट की बैटरी दो है ना तो दैट इज वोल्ट वोल्टेज अब आपको क्लिक हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज को कैसे आपको करना ये करना है इंटर इंटरलिंक तो इस तरह हमारा जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो भी क्लियर हो गया राइट पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस इन अ बैटरी इज क्रिएटेड इन अ सर्किट इन अ अर्किट इज क्रिएटेड किसके वजह से क्रिएट होता है दोस्तों इन अ सर्किट इज क्रिएटेड ड्यू टू बैटरी है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द फोर्स रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस टू ब्रिंग द मोशन इन द इलेक्ट्रॉन्स टू ब्रिंग और डिस्प्लेस मोशन इन इलेक्ट्रॉन मोशन लेकर आता है इलेक्ट्रॉन में दैट प्रॉसेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट है ना इन so शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोला जा सकता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ वर्क डन कि कितना काम करना पड़ेगा मुझे अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्जेस अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं वी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ अमाउंट ऑफ वर्क डन को मैं डब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ चार्ज को तो हमें पता भी हमने देखा क्यू से तो फॉर्मूला किस तरह बन जाएगा दोस्तों V इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्जेस एक चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क लगेगा पांच वोल्ट का वर्क लगेगा दस वोल्ट का वर्क तो वो कैलकुलेट करना इज नथिंग बट हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओके दोस्तों अब V का यूनिट क्या है यूनिट ऑफ V इज वोल्टेज वोल्टेज उसका यूनिट राइट एंड इसको रेप्रेजेंट वी से ही करते हैं दोस्तों यूनिट ऑफ वर्क डन वर्क डन का यूनिट क्या है दोस्तों जूल है ना जोली है ना कि क्या है और न्यूटन से न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो आप इसको एंड चार्ज यूनिट ऑफ क्यू आपको तो ये पता ही है चार्ज क्यू इज पूलम राइट जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे आप लिखते जाओगे ना हर एक को तो आपको याद होता जाएगा तो ये बेस्ट वे है राइट दोस्तों इसको बोला जाता इस है ओके नेक्स्ट पार्ट इज हमारा रेजिस्टेंस अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों माने रुकावट किसी भी चीज में रुकावट डालना अड़चन डालना उसको क्या बोला जाता है रेजिस्टेंस ठीक है अभी कितना रुकावट हम डाल रहे हैं दैट इज नथिंग बट हमारा रेजिस्टेंस तो करंट के फ्लो को रोकने का जो कैपेसिटी है हर एक वायर का होगा ना कुछ ना कुछ अगर मैंने पांच वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी तो करंट फ्लो होना शुरू करेगा अब वो करंट को रोकने के लिए कितना रुकावट एक वायर दे रहा है दैट इज नथिंग बट हमारा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है आर से ओके दोस्तों रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड इट इज नथिंग बट द ऑपेशन वॉट दोस्तों इट इज नथिंग बट द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाई द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द बाइ द कंडक्टर राइट तो कौन कितना रुकावट दे रहा है कौन सा कंडक्टर कितना रुकावट दे रहा है उसके हिसाब से उन्हें इंसुलेटर और कंडक्टर में डिवाइड किया गया ठीक है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज जान लेते कि जो करंट है करेंट फ्लोस थ्रू सब्सटेंसेस उन सब्सटेंसेस से फ्लो होता है जो उनको अलाउ करता है ठीक है अभी जो उनको रोकता है इफ रेजिस्ट अगर सब्सटेंस उसको रोकता है तो उनको बोलते हैं इंसुलेटर इफ अलाउ उनको बोला जाता है कंडक्टर अभी प्लास्टिक कभी भी प्लास्टिक के वायर देखे दोस्तों आपने नहीं क्योंकि प्लास्टिक का वायर यूज ही नहीं कर सकते हम वो करंट ही नहीं अलाउ करेगा राइट तो इसके लिए इंसुलेटर्स आर नथिंग बट जैसे प्लास्टिक हो गया हमारा वुड हो गया रबर हो गया लेकिन कॉपर वायर कॉपर वायर को तो देखा होगा आपने उसमें से हमारा करंट फ्लो होता है राइट दे आर नथिंग बट हमारा कंडक्टर जैसे कॉपर वायर एल्यूमिनियम वायर राइट तो सब क्या है है दोस्तों हमारा इंसुलेटर और कंडक्टर अगर करंट का फ्लो रेजिस्ट होता है सब्सटेंस में से तो उसको इंसुलेटर बोलते हैं एंड अलाउ करता है देन उसको हम कंडक्टर बोलते हैं ठीक है दोस्तों एंड इसको आर से लिखा जाता है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कैसे वैरी करता है किस तरह वैरी करता है ये सर ने देखा ओम्स ओम्स ने देखा And उन्होंने लॉ दिया दैट इज वेरी वेल नोन ओम्स लॉ उन्होंने क्या बोला जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका करंट इंक्रीज होगा मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट राइट उनके कहने का यही मतलब हुआ कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन में सिर्फ एक गड़बड़ हो जाती है क्या रेजिस्टेंस हर एक वायर का हल, अलग अलग रेजिस्टेंस होता है ज इज इक्वलट इन टू रेजिस्टेंस ये वाला फॉर्मूला बन जाता है जो हमें Ohms law से मिलता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूरे बीडब्ल्यू में ये यूज होने वाले दोस्तों दैट इज वी इक्वल टू आई आर वेरी इज वी इज वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों आपके हिसाब से दैट इज आर इक्वल टू वी बाय आई वोल्ट एम्पियर बट रेजिस्टेंस का जो यूनिट है इज़ ओम यूनिट्स ये हो जाता है ओम ओके दोस्तों ये क्लियर है आपको यूनिट कैसे आता है नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटेंस किस टाइप का है उस पर डिपेंड करेगा ये रेजिस्टेंस वाला फैक्टर देन उसका टेम्परेचर uh, किधर रखा गया सराउंडिंग में कौन से है ये सब फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड की जाती है बहुत सारे कंडीशन थे आपको आपके जो लोअर uh, क्लासेस में बट उसका यूज नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे अभी जो यूज है दैट इज रेजिस्टेंस करेक्टेड इन सीरीज ठीक है तो उसको भी एक बार देख लेते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किस साइन से किस सिंबल से दिखाया जाता है वो जान ले उसको दिखाया जाता है कुछ इस तरह ठीक है ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया हमारा वोल्ट मीटर किससे दिखाया जाता है दोस्तों वोल्ट मीटर क्या होता है वोल्ट वोल्ट मतलब कहीं ना कहीं वो वोल्टेज मेजर करने के लिए होगा राइट राइटर्स वोल्टेज मतलब बैटरी कितना है कितना वोल्टेज है यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है आम मीटर क्या होता है दोस्तों करंट मेजर करता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है ठीक है दोस्तों देन रेजिस्टेंस हो गया वोल्ट मीटर हो गया एम मीटर हो गया और एक चीज जो आपको यहाँ पे लगने वाली है दैट इज फिलहाल तो इतना ही लगेगा आगे लगेगा तो मैं आपको बता दूंगी आगे क्या लग रहा है ठीक है अब रेजिस्टेंस तो दोस्तों अगर मेरे ए, ये वायर में ये एक मेरा वायर है यहाँ पे इसमें अगर मैं रुकावट ज्यादा डालू तो जैसे जैसे मैं रुकावट बढ़ाऊंगी तो करंट के साथ क्या होगा करंट कम होगा कि ज्यादा होगा मैं रुकावट ज्यादा डाल दू मैं नहीं आने दे रही सारे करंट के फ्लो uh, को तो करंट डिक्रीज हो जाएगा एंड जैसे मैं रेजिस्टेंस को कम कर दूंगी तो करंट इंक्रीज़ हो जाएगा अभी रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं उसके लिए एक डिवाइस है दैट इज रियोस्टार्ट क्या है दोस्तों रियोस्टार्ट नाम का एक डिवाइस है एंड उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है इस तरह ऐसे ठीक है ये रियो का रिप्रेजेंटेशन है क्या करता है वो रे, रेजिस्टेंस को इट कंट्रोल रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है कि कितना बढ़ाना है कितना घटाना है ठीक है दोस्तों ये हो गया और एक डिवाइसेस और कौन से डिवाइसेस होंगे जो हमें यूज होंगे वो हम आगे आने वाले सारे मॉड्यूल्स के साथ देखते जाएंगे बट फिलहाल के लिए इतना आप याद में रखिए नोट्स भी बना लो चाहिए तो तो यहां तक हमारा ये पार्ट खत्म हुआ नेक्स्ट पार्ट जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है पावर का तो हमें डेफिनेशन पता है व्हाट इज द पावर का डेफिनेशन मेरे अंदर कितना पावर है कि मैं कितने देर तक काम कर सकती हूँ वो पता कर लिया तो मेरे अंदर पावर पता चल जाएगा राइट सेम इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट हैज अ प्रॉपर डेफिनेशन दैट इज वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सॉकिट डिवाइडेड बाई टाइम वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कितना वर्क uh, कर रहे हैं हम लोग कितने गिवेन टाइम में ओके दिस इज क्लियर नाउ वर्क डन एक कहीं तो जगह अभी हमने पढ़ा वर्क डन याद है कहा पढ़ा ये वोल्टेज उसमें हमने देखा ना वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज सो दैट इज उधर हमारा वोल्टेज के यूनिट में आ जाता है ठीक है दोस्तों एंड ये वर्क डन का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं पे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना तो हमारा वर्क डन क्या हो गया दोस्तों तो वर्क डन की जगह में वी इंटू क्यू लिख दू और टाइम की जगह में टी लिख दूंगी अब यहाँ पे और एक चीज देखो दोस्तों आपने और एक फॉर्मूला पढ़ा था करंट का करंट इज नथिंग बट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम यहाँ पर भी आपको वही दिख रहा है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम

इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्मूला क्या है दोस्तों उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा आप यू से रिप्रेजेंट करो या इ e से रिप्रेजेंट करो कोई दिक्कत की बात नहीं है हम यू लेके चलते ठीक है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टोटल वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सॉकेट इन अ गिवन टाइम क्या दोस्तों कि कितना काम करते हैं हम वो सॉकेट में कितना काम करते हैं दैट इज नथिंग बट हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो एनर्जी इज नथिंग बट टोटल वर्क डन एंड टोटल वर्क डन का फॉर्मूला हम यहां से ले सकते हैं दोस्तों यहां पे हमने निकाला ना वर्क डन वर्क डन क्या हो जाएगा फिर पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम पावर क्यों क्योंकि पावर इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन टाइम टेकन एंड दिस इज नथिंग बट वी आई है ना एंड में हमने उसको वी आई में कन्वर्ट कर दिया था दोस्तों आई होप यू रिमेंबर तो यहाँ पे हम लिख देंगे v i इन टू टाइम टी अब ये मुझे मिल गया मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला अब इसमें मैं देखो कितने तरह के चेंजेस करती हूँ कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो मुझे पता है दैट इज v इक्वल टू आई आर वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू आई इक्वल टू क्यू बाई टी इतने सारे फॉर्मूला पता है मुझे एक बार मैं इसमें v इक्वल टू आई आर डाल के पुट करती हूँ ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पुट करती हूँ पुट इक्वल टू आई आर ई का वैल्यू क्या हो जाएगा आई आर इन टू आई इंटू टी दर आर टी तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया मैंने जब ये वैल्यू डाली उसमें देन नेक्स्ट फॉर्मूला मुझे क्या पता है ये वाला एक बार वो भी डाल के देख लेती हूँ पुटिंग V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू तो ये e इक्वल टू वी की जगह क्या डालना है दोस्तों W अपॉन क्यू into I आई T. टी ठीक है दोस्तों ये हो गया अभी ये देखो यहां पे और एक चेंजेस कर सकते हो क्या ये Q डिवाइडेड बाई T कितना होता है आए तो नीचे आए आ जाएगा I I कट आ गया ना एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन एनर्जी इज नथिंग बट टोटल वर्क डन देखो दोस्तों यहां पे आ गया वो ठीक है नेक्स्ट एक बार ये पुट करके देखते हैं पुटिंग ये पुट करके देखना है इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों वी इन टू आई की जगह क्यू बाई टी इन टू टी जाए तो e जा, जा, उससे बहुत सारे फॉर्मूलेस आ सकते हैं एनर्जी का यूनिट क्या होता है आप सबको तो पता ही होगा दैट इज जूल क्योंकि वर्कडन का भी एनर्जी का वर्कडन का भी यूनिट क्या था दोस्तों जूल था इधर भी एनर्जी का भी यूनिट सेम हो जाएगा दैट इज नथिंग बट हमारा जूल ओके okay, दोस्तों यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया नेक्स्ट जो चीज हमने देखने वाले दैट इज कनेक्शंस तो चलो अभी कनेक्शंस देख लेते लास्ट टाइम ठीक है दोस्तों कनेक्शंस का एक बार ओके okay, व्हाट अभी मैं कनेक्शन कनेक्शन बोल बट किसका कनेक्शन वो भी इंपॉर्टेंट तो है देखो इलेक्ट्रिक सर्किट ले लेते हैं एक पहले जिसमें एक बैटरी है एक अमीटर है एक स्विच भी बना ले बीच में

रेजिस्टेंस ठीक है ये इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे ये मैंने मैं इसको आर वन बोल देती हूँ ये आर टू हो गया ID, R3 नाम का रेजिस्टेंस हो गया तो ये तीन रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए दोस्तों अब इस सर्किट को बोला जाता है सीरीज सर्किट कौन सा सर्किट दोस्तों सीरीज आप सबको पता ही होगा है ना जब मैंने बोला कि ये सीरीज है आपको क्लिक हुआ होगा दिस इज नथिंग बट सीरीज सर्किट क्यों कैसे आइडेंटिफाई करना है सीरीज ए की पैरेलल द स्टार्टिंग कनेक्शन पॉइंट क्या दोस्तों द स्टार्टिंग कनेक्शन पॉइंट ऑफ आर इज डिफरेंट फ्रॉम एंडिंग अभी ये जो रेजिस्टेंस है उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा या ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये एंडिंग दूसरा वाला ऑब्वियसली एंडिंग यहाँ पे देखो जहां से ये शुरू हो रहा है वहां पे ये दूसरे के साथ मिल रहा है एक ही पॉइंट पे नहीं खत्म हो रहा है दूसरे के साथ है ना यहाँ पे ये मीट कर रहा है. अब मैं पैरेलल सर्किट बनाती हूँ ये सीरीज सर्किट हो गया अब पैरेलल बना के देखते हैं ये हमारा एमिटर ये हमारा स्विच ये हमारा बैटरी ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया पैरेलल में क्या होता है दोस्तों पैरेलल में क्या होता है जहां से रेजिस्टेंस शुरू हो रहा है वहीं से और रेजिस्टेंस लगा दिए जाते हैं है ना यहां पे और रेजिस्टेंस लगा दिए जाते हैं ठीक है दोस्तों तो ये हो गया हमारा पैरल सर्किट क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस कैसे लगा है पैरल यहां पे जो स्टार्टिंग कनेक्शन है स्टार्टिंग कनेक्शन एंड द स्टार्टिंग कनेक्शन एंड द एंडिंग कनेक्शन आर सेम ठीक है दोस्तों द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ all रेजिस्टर्स आर सेम स्टार्टिंग भी सेम है यार एंडिंग भी सेम है राइट right, दोनों सारे रेजिस्टर्स का ये हमारा एम हो गया यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा अब स्विच को बंद कर देते हैं हम चलो स्विच को बंद कर दे ये जो स्विच हमारी ओपन हुई है ये स्विच को अभी हम बंद कर देते मतलब ये ज्वाइन कर देते हैं मतलब ठीक है यहाँ पर अभी करंट कैसे फ्लो होगा इस तरफ जाएगा यहां जाएगा यहां जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा और जाएगा ठीक है दोस्तों तो ये यह करंट पे फ्लो हो रहा है हुँ? अब जो करंट है वो तो सेम फ्लो होगा लेकिन जो वोल्ट रहेगा ना दोस्तों वोल्टेज वो डिफरेंट हो जाएगा सीरीज में क्या सेम रहता है दोस्तों सीरीज में करंट सेम रहता है एंड वोल्टेज डिफरेंट रहता है अगर मैं मान लो ये हमारा वोल्ट मीटर है ठीक है जिसको प्लस माइनस साइन है ठीक है दोस्तों अब मैं इसको उठा के लेके जाती हूं कनेक्शन में बना के लेते थोड़ा सा ठीक है ठीक है अभी ये वोल्टेज को मैं यहां लेके जाती हूँ पहले मैं यहाँ का वोल्टेज मेजर करती हूँ यहाँ का जो वोल्टेज का साइन है ना दोस्तों वो अलग आएगा आपको बताए ये जो वोल्टेज का साइन है ये अलग आएगा फिर मैं ये वोल्टेज को उठाती हूँ यहाँ लेके जाके यहाँ मेसर करती हूँ फिर यहाँ मेशर करती हूँ तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज को शिफ्ट करूंगी मुझे वोल्टेज की अलग अलग वैल्यूज मिल दी जाएंगी क्या दोस्तों यहाँ पे मुझे वी वन अलग आएगा बी टू अलग आएगा बी थ्री अलग आएगा क्योंकि यहाँ पे करंट तो सेम फ्लो हो रहा है बट आई इज सेम सीरीज में क्या सेम रहता है दोस्तों करंट सेम रहता है वोल्टेज अलग होता है उसी तरह यहाँ पे एक ही वोल्टेज लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और एंडिंग पॉइंट सेम है ना सारे रेजिस्टेंस का तो यहाँ पे एक ही वोल्टेज लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे करंट की अलग वैल्यू आएगी ये वाले तार जैसे करंट मेरा यहाँ फ्लो करेगा ये I1 की वैल्यू अलग हो जाएगी करंट यहाँ फ्लो की I2 की वैल्यू अलग यहाँ फ्लो की I3 की वैल्यू अलग यहाँ फ्लो की I4 की वैल्यू अलग I5 ऐसे अलग अलग वैल्यू आएगा बट मेरा जो वोल्ट है वो सेम रहेगा यहाँ पे क्या सेम रहता है दोस्तों वोल्टेज इज सेम ठीक है आई होप आपको ये बेसिक्स याद हो कि कैसे हमने ये सारे जो बेसिक टर्म्स है वो हमारे हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था अब इसका जो डिटेल्ड थिंग है डिटेल्ड कैलकुलेशन रहेगा न्यूमेरिकल वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा बस ये बेसिक रिविजन है एंड इसके रिविजन में एक पार्ट रह गया दैट इज अ फॉर्मूला यहाँ पे मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है दोस्तों आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज अपॉन जितने भी रेजिस्टेंस हो सो ऑन अपॉन अपॉन सो ऑन आर एन ठीक है तो रेजिस्टेंस में टोटल हम ऐसे निकालते हैं इसमें टोटल हम ऐसे निकालते हैं ठीक है यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है करंट कॉन्स्टेंट है यहाँ पे फिर वी वन कैसे आएगा आई अपॉन आर वन वी टू कैसे आएगा आई अपॉन आर टू वी एन कैसे आएगा आई अपॉन अपॉन आएगा कि ये आएगा दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मुलाइज आई आर तो आई आर वन है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा आई आर टू आई आर थ्री एंड सो ऑन तो ये इन जनरल क्या आएगा वी एन इक्वल टू आई आर एन ये सीरीज की बात हो रही है पैरेलल में क्या आएगा दोस्तों हमारा वी वी कांस्टेंट रहता है वोल्टेज इज सेम थ्रू आउट तो मेरा करंट का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा आई इक्वल टू वी अपॉन आर तो पहले वाले वायर में पहले वाले वायर में करंट निकालना है तो वी अपॉन आर वन दूसरे वायर में निकालना है तो वी अपॉन आर टू वैसे ही मुझे अगर एन नंबर वाले वायर में निकालना है तो वी अपन आर एन ठीक है दोस्तों ये क्लियर हो गया आपको कि कैसे ये दोनों चीजें यहाँ से डिराइव हो जाती हैं यहाँ से हमें कंफर्म हो जाती है कि कैसे इनको कैलकुलेट करना है आई होप आपको आज के लेक्चर में सारे बेसिक्स रिवाइज हो गए और नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा मॉडल स्टार्ट करेंगे कॉमेंट में बताइए आपके कॉलेज में कौन सा मॉडल स्टार्ट हुआ है एंड उसी के साथ टिल देन गुड बाय टेक केयर बने रहिए हमारे चैनल पर अगर, अगर आप न्यू हो आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए कल तब तक गुड बाय टेक केयर